हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है पल्सर 220 UG 4.5 मॉडल और इसमें एक दिक्कत है, साइड स्टैंड लिखा हुआ आता है चाहे स्टैंड ऊपर हो या नीचे। देखिए स्टैंड अभी ऊपर है, फिर भी यहाँ पे साइड स्टैंड लिखा हुआ आता है। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये चेक करना चाहिए, देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट होता है, और ये दो स्क्रू है 8mm के, इसके पीछे होता है साइड स्टैंड का सेंसर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे है, ये है सेंसर और ये है छोटा सा मैग्नेट। देखिए इससे पहले गाड़ी जहाँ पे जिस मैकेनिक ने रिपेयर की थी उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैग्नेट को उल्टा लगा दिया। देखिए साइड स्टैंड ऊपर करने पर सेंसर के सामने मैग्नेट आना चाहिए, लेकिन ये उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में है। ये हमारी गाड़ी में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, या फिर किसी पल्सर में ये सेंसर का वायर खराब हो गया होता है। देखिए ये वाला जो सॉकेट है, ये साइड स्टैंड सेंसर का सॉकेट है। देखिए कितना छोटा सा मैग्नेट है बटन जैसा, इसको हम अपनी सही जगह पे लगाएंगे। मैग्नेट लग गया है, अब देखिए ये साइड स्टैंड वार्निंग लाइट चली गई। देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ, साइड स्टैंड में नीचा करूँगा तो साइड स्टैंड लिखा हुआ आ जाएगा, साइड स्टैंड को ऊपर लूँगा तो वार्निंग चली गई। इस तरह से आप भी अपने पल्सर में साइड स्टैंड वार्निंग लैंप का इश्यू सॉल्व कर सकते हैं।